हेलो चिल्ड्रन, बॉबी पियर्स के बारे में जाना आप लोगों ने, वीडियो देखा, बहुत कुछ समझा किस तरह से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और किस तरह से अपने एथिक्स बना के उन पे हमेशा कायम रहना चाहिए। कभी परिस्थिति का गुलाम आपके नियम ना बने। आइए इनकी एक्सरसाइजेस को एक बार देख लेते हैं। हमको यहाँ करना ये है कि ये जो एक्सरसाइजेस यहाँ पे दी गई हैं, आपको सही गलत बनाना है, बताना है ट्रू या फॉल्स। बॉबी पियर्स फादर वॉज अ स्कलर। बॉबी पियर्स के पिताजी स्कलर थे। सही या गलत, आप जानते हैं। बॉबी स्टार्टेड स्कलिंग एट अ यंग एज। बॉबी ने स्कलिंग बहुत ही छोटी सी उम्र में शुरू कर दिया था करना, मालूम है आपको। बॉबीज फादर आस्क्ड हिम टू टेक पार्ट इन द कंटेस्ट फॉर 14 इयर्स ओल्ड। बॉबी के पिता ने कहा कि 14 साल के बच्चों के साथ आप स्कलिंग कीजिए। जिसका आपको कोई तारतम्य अपने इस लेसन से नहीं मिल रहा है, उसको सिंपली आप डोंट नो लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं मालूम। डोंट नो मैंने आपको बताया था डी के। अब इसके बारे में कुछ भी नहीं है कि पिताजी ने कहा कि उन्होंने खुद किया, तो इसको आप डोंट नो लिख सकते हैं। When he was a 5-year-old boy, Bobby competed with 14 years old. 5 साल का था तब उसने 14 साल के बच्चों के साथ कम्पीट किया। 5 साल का था कि 6 साल का था, बुक में देखिए, शायद 100% 6 years. Bobby Pierce won only one Olympic gold medal. Bobby को सिर्फ एक ही Olympic gold medal मिला। आपके इस बुक में नहीं है, आप छोड़ सकते हैं डी के। Bobby's father was a good scholar. Bobby के पिताजी बेहतरीन स्कलिंग किया करते थे। यस, इसके बाद हम आएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, एट द स्कलिंग क्लब बॉबी मेड अ प्रॉमिस, डिड ही कीप इट? स्कलिंग क्लब पे बॉबी ने एक प्रॉमिस किया, क्या उसने उस प्रॉमिस को रखा? ऑफ कोर्स, गोल्ड मेडल जीता उसने। डू यू फाइंड एनीथिंग अनकॉमन इन बॉबी एंड मेनी सक्सेसफुल प्लेयर्स, व्हाट इज इट? कोई एक चीज है जो बहुत सारे लोगों में जो सफल हुए और बॉबी में बिल्कुल अलग है, वो कौन सी चीज है? बॉबी की काइंडनेस। एग्जैक्टली, हु वाज स्कलिंग जस्ट बिहाइंड बॉबी पियर्स? बॉबी पियर्स के जस्ट पीछे कौन स्कलिंग कर रहा था बताइएगा? बॉबी पियर्स वन द रेस एंड ऑल्सो द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। बॉबी पियर्स ने रेस पीछी थी और हजारों लोगों का, लाखों लोगों का दिल भी। डज एवरी वन हु विंस अ रेस नॉट विन द हार्ट्स ऑफ पीपल? क्या हर कोई जो रेस जीतता है या कोई किसी गेम में विजयी होता है, क्या वो लोगों का दिल नहीं जीतता? गिव योर ओपिनियन, आपको अपना ओपिनियन देना है। निश्चित रूप से जब आप मानवता का कोई भी टच आपके गेम में होगा तो निश्चित आप लाखों लोगों का दिल जीतेंगे। हर बार कोई ऐसा करे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर के मन में इस तरह की भावना आए। फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो पिक अप द वंस दैट पीपल सेड व्हेन ही डिड वेल। ये जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं, आप उनको, उन शब्दों को अलग कीजिए जो उस समय चिल्लाए गए जिस समय बॉबी अच्छा कर रहा था। ओ नो, बकअप, वेल डन, ही हैज डन इट, और हुर्रा। इनमें से आप पकड़िए अच्छा करते समय क्या कहा गया है। पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट पीपल सेड व्हेन बॉबी वाज स्लोइंग डाउन। बॉबी जब धीरे स्कलिंग कर रहा था उस समय लोग क्या चिल्ला रहे थे, आपकी बुक में है, उसको देखिए और लिखिए। अब आपका कोर्स खत्म, आपका लास्ट लेसन खत्म, आपके पास में बहुत सारा समय है। हर एक लेसन को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, हर एक क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, और हर लेसन के साथ कुछ मॉरल टीचिंग है, कोई डीप मीनिंग है, उसको समझिए, उसको अपनी जिंदगी में उतारिए, तभी आपकी शिक्षा कंप्लीट होगी। सिर्फ पढ़ के आंसर दे देना इतना काफी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना उन सारी चीजों को सीख के, ये बहुत जरूरी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।